सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के धर्मश्री इलाके के आवासीय कॉलोनी में पिछले दिनों एक दलित युवक को अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं द्वारा जिंदा जलाए जाने की घटना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले जलाए गए युवक का भोपाल में इलाज किया जा रहा है। वहीं सोमवार को बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल युवक के घर पहुंचा, जहां ताला लगा देखकर भाजपा ने एसपीओ मुलाकात की और मामले में मोतीनगर थाना प्रभारी पर लापरवाही बरतने का दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। निधन अप कार्यक्रम पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं पूर्व लाल सिंह आर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज केव, सागर सांसद राज बहादुर सिंह सागर तथा नरियावली विधायक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज सुबह 10 बजे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सूरज केरो जी, पूर्व विधायक कैलाश जाटव जी, प्रदीप लहरिया जी, शैलन जैन जी के साथ गया था। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया प्रभारी को मैंने भेजा कि जरा देखो परिवार है कि नहीं है। परिवार उस समय था। हम जब मिलने जाते हैं 15-20 मिनट बाद, तो स्थानीय TI प्राइवेट गाड़ी में लेकर जबरिया उस परिवार को ले जाती है। वहाँ सुरक्षाकर्मी को हम पूछते हैं कहाँ है, तो वो बता नहीं पाता है। मुझे शंका थी कि कहीं ना कहीं उनका अपहरण नहीं हो गया हो, कहीं इनको धमका कर बाहर नहीं कर दिया गया हो। इसलिए हम लोग सीधे SP के पास गए कि हमको जानकारी मिलना चाहिए कि आखिर वो माँ, आखिर उनकी पत्नी है कहाँ। लेकिन अभी तक सुबह के 10 बजे से लेकर 4:15 बज रहे, अभी तक ना माँ मिली है ना उनकी पत्नी मिली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अपराधियों को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार उनकी पत्नी, उनकी माँ पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, और इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय थाने की TI इन्वॉल्व है। शासन और प्रशासन उनकी चौक दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है, और इसलिए इसे छुपाने के लिए वो पीड़ित परिवार को और परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार के साथ अगर कांग्रेस की सरकार पुलिस न्याय करती तो मुझे लगता है ये घटना ही नहीं होती। इसलिए पूर्व की घटना जो इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया, ये दूसरी घटना हो गई, और अभी भी उस परिवार को धमकियां मिल रही है। ये पीड़ित परिवार ने नहीं कहा, बल्कि बगल में रहने वाली गोपीबाई ने भी कहा कि वास्तव में अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर हम लोगों से समझौता नहीं किया, अगर पुलिस को कुछ बयान दिया तो अभी तो पुलिस लगी है, इसके बाद हम आपको देख लेंगे, यहाँ से निकाल के रहेंगे। देखिए, सागर में पिछले दिनों दलित समाज के श्री धन प्रसाद जी, उनको वहाँ पर जिंदा जलाया गया। उनकी हालत गंभीर है, और जिंदा जलाने के बाद धन प्रसाद की जो चिंता सरकार को करना थी वो चिंता सरकार ने नहीं की, ना तो कोई इलाज की व्यवस्था की। वो अपने जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए लोगों को धरना देना पड़ा। भोपाल में अभी तक सरकार ने कोई चिंता नहीं की। धन प्रसाद की हालत गंभीर है, और हम लोगों ने मांग की है कि सरकार तत्काल एयर एम्बुलेंस से धन प्रसाद जी को सफदरजंग वर्न यूनिट में भेजे, इलाज की व्यवस्था करे। और जिस तरह से जब से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, सबसे ज़्यादा अपराध दलितों के साथ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं अपराध की दलितों के साथ हुई है, और इसलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको भी लेकर, और विशेष रूप से जो दलित समाज के लोगों के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर दिया गया। हम लोगों ने मांग की है कि तत्काल उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध